आइए और जानकारी लेते हैं। यहाँ पूरे भारतवर्ष से, अलग अलग राज्य से एक समूह को इकट्ठा करना बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। तो एक परिवार को, जिस परिवार के अंदर मात्र 7, 8, 9, 10 लोग होते हैं, उस परिवार को भी हम इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। और आज 2 दिन से ये जो प्रोग्राम चल रहा है इस अंबेडकर भवन के अंदर, मैं ऐसी शख्सियत से आपको बात करने जा रहा हूँ जिन्होंने पूरे भारत के राज्य से यहाँ लोगों को इकट्ठा करा। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि यहाँ जो इन्होंने जो इकट्ठा करा, जो यहाँ एक सेमिनार रखा, उसका क्या तात्पर्य, क्या मतलब था। इसी बीच में हमारे बीच में है भानु प्रताप सिंह जी। सर, आपका एसएम न्यूज में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद तो मैं आपका कहूँगा कि मीडिया को हमने बहुत लोगों को खबर की, लेकिन आप आए और आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो धन्यवाद के सबसे ज़्यादा हकदार आप हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। सर, आपने ये पूरे भारतवर्ष से यहाँ समस्त पार्टियों को, लीडरों को यहाँ इकट्ठा करा और छोटे छोटे समुदायों को भी यहाँ इकट्ठा करा, तो सर आपका तात्पर्य क्या है? देखिए, तात्पर्य बहुत सीधा है। जनता की लड़ाई है, लड़ाई बहुत बड़ी है, बहुत गंभीर लड़ाई है, समस्या बहुत बड़ी है। जिस तरह से देश में आज हालात पैदा हो गए हैं कि प्रधानमंत्री होकर केवल झूठ ही बोलें और लाल किले से भी झूठ बोला जाए, झूठे आंकड़े समाज देश के सामने रखे जाएं और जो काम है करने के वो ना किए जाएं। आपको ध्यान होगा 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन की कैंपेन शुरू की तो उन्होंने नारा दिया था, 60 वर्ष आपने दिए हैं कांग्रेस को और मुझे 60 महीने दे दीजिए, और इन 60 महीनों में 18 महीने बाकी हैं बस। उसके अलावा बाकी के सारे महीने जा चुके हैं। इन 18 महीनों में वो क्या कर पाएंगे, ये सबके सामने हैं और सबको समझ में आ रहा है कि वो केवल झूठ बोलते हैं और कुछ कर नहीं सकते, तो कर नहीं पाएंगे। अभी भी जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमने जितने भी छोटे छोटे संगठन हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, भिन्न भिन्न प्रदेश में हैं, उन सबको इकट्ठा करके एक मजबूत गठबंधन बनाने का हमारा प्रयास है, वो राजनीतिक स्तर पर भी और सामाजिक स्तर पर भी, और संगठित होकर जनता की लड़ाई पूरी ईमानदारी से लड़ने का हमारा प्रयास है। सर, ये जो आपने अभी गठबंधन कहा, महागठबंधन बनाने की हम बात कर रहे हैं और 2019 में आने वाले चुनाव के लिए आप कमर कस रहे हैं और कमर कसने की बात करते हैं, तो सर इसका जो पूरा जो प्रारूप है वो कब तक तैयार हो जाएगा? देखिए, इसका प्रारूप आज जैसे निर्णय हुआ है, ये बैठक 2 दिन चली है और इसमें आपने देखा भिन्न भिन्न राज्यों से, जैसे अगर आप देखें पश्चिम बंगाल से भी हैं, नॉर्थ ईस्ट, मणिपुर, आसाम वगैरह से भी हैं, और इसमें केरल से भी साथी हैं, कर्नाटक से भी साथी हैं, उड़ीसा से भी हैं, पश्चिम वहाँ से उत्तर प्रदेश से भी हैं, उत्तराखंड से भी हैं, मध्य प्रदेश से हैं, हिमाचल से हैं, हरियाणा से हैं, और दिल्ली से भी सारे साथी हैं, इस तरह से राजस्थान से भी साथी हैं। सारे साथी मिलके 2 दिन ये विचार विमर्श चला है, चिंतन मंथन मनन चला है और निर्णय लिया गया है कि नवंबर के पहले सप्ताह में 99% 4 और 5 नवंबर को जो आज ये शुरुआत हुई है, उस सारी रूपरेखा, संगठन का ढांचा कैसा होगा, संगठन किस तरह से काम करेगा, संगठन के क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा, क्या उसके बिंदु होंगे जिसको लेकर हमें ये लड़ाई लड़नी है। और लड़ाई बिल्कुल स्पष्ट है, मांगने की लड़ाई नहीं है, हक है हमारा, छीन लेने की लड़ाई है। अब सत्ता हम अपने हाथ में लेंगे और निर्णय हम करेंगे, उसके लिए नवंबर में इसका पूरा ढांचा आपके सामने होगा। और मुझे विश्वास है कि देश के जिन कोनों के साथी आज नहीं आ पाए हैं, उस नवंबर के सम्मेलन में पूरे देश के हर राज्य के साथी, और आपको मैं आज कह सकता हूं कि कम से कम 200 से 250 संगठनों, राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि उसमें होंगे और निर्णय उसमें पूरी तरह से फाइनल होगा और वो सबके सामने होगा, मीडिया के सामने होगा, क्या लड़ाई के मुद्दे होंगे, कैसे हम लड़ाई लड़ेंगे। सर, वकील साहब, अभी आपने पार्टी का नाम लिया, संगठन का नाम लिया, या जो इस समय दलित समाज का जो नेतृत्व कर रहे हैं, क्या आपको उन लोगों पर भरोसा नहीं है? नहीं, देखिए, जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं, अगर वाकई में उन्होंने ईमानदारी से नेतृत्व किया होता तो यहाँ सबको बैठने की क्या जरूरत थी। आप जानते हैं हमारी लोकसभा में अगर दलित समाज की बात करें तो 131 एमपी हैं, राज्यसभा में भी 15-20 एमपी हैं, इस देश की जितनी 30 विधानसभाएं और 6 विधान परिषद हैं उनमें लगभग 900 लोग एमएलए और एमएलसी हैं दलित समाज के। कहाँ बात कर रहे हैं वो, किसकी बात कर रहे हैं वो,
समाज की बात अगर करते हैं तो समाज की यह हालत होती है। आज जो हालत है आप जानते हैं, लोगों को शिक्षा नहीं मिल रही, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। नोटबंदी के नाम पे मोदी जी ने जो सारा भ्रमजाल फैलाया, सारा षड्यंत्र किया, उसमें 2.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। GST के नाम पे जिस तरह से हालत बनाए जा रहे हैं, उसमें कितने ही लोग बेरोजगार होते चले जा रहे हैं। व्यापार जमीन में गढ़ा चला जा रहा है और नोटबंदी के बाद में 2% GDP हमारी डाउन आ गई है। तो अगर वो नेता समाज के हित में बोलते, जनता के हित में बोलते, तो कहाँ जरूरत थी हमें आने की मैदान में? जब कोई नहीं होगा तो लड़ना तो पड़ेगा ही, मैदान में आना तो पड़ेगा, इसलिए हम लोग आए हैं। सर, अभी मैं एक बार वो मानवर कांसीराम साहब का एक भाषण सुन रहा था, उसमें लिखा था और बोल रहे थे कि ये ललुआ समाज को हर एक कोई आके बेवकूफ बना लेता है, तो इसी तरीके से उन्होंने काफ़ी बातें करी थी। क्या इस ललुआ समाज को बेवकूफ बनाने में आपका जो महागठबंधन होगा वो किस तरीके से लेके चलेगा? नहीं, आप, मैं इसमें शब्द आपके जो आपने बोले हैं, मैं चाहूँगा उसमें संशोधन करें। ये जो गठबंधन बनेगा ये ललुआ समाज, मैं इसको नहीं मानता। इस समाज को किसी हालत में न तो गुमराह करेगा, न इसको मूर्ख बनाएगा। इस समाज को इसका हक दिलाएगा, इसे लड़ना सिखाएगा, ताकि ये लड़ सके और अपना हक ले सके। और गठबंधन में जो लोग चल रहे हैं या इस अलायंस में भी जो लोग हों, वो भी अगर समाज के हित में काम न करें तो समाज इतना प्रबुद्ध हो जाना चाहिए, इतना मजबूत हो जाना चाहिए कि जो लोग समाज के हित में काम नहीं करते उनको निकाल के बाहर करें, उखाड़ फेंके। तो ये ललुआ समाज मैं नहीं मानता। इसे समाज को जैसा भी है इसकी लड़ाई लड़नी है, इसको प्रबुद्ध समाज बनाना है, इसको संघर्षशील लड़ाकू समाज बनाना है, अपने हक को लेने वाला समाज बनाना है।